हाय एवरीवन, तो आज आप देख सकते हैं हमारे पास ये टाइप 3 मॉडल इनोवा आई है। ये ऑल द वे सतारा से मुंबई ऑटो ऑनर्स में आई हुई है फॉर अ टाइप 4 कन्वर्जन। सो जब आप टाइप 3 से टाइप 4 में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रंट में जो फ्रंट बम्पर है वो चेंज होता है, प्लस ग्रिल जो है वो बड़ी वाली टाइप 4 की ग्रिल आती है। फॉग लैंप्स और उसके क्रोम कवर आते हैं, बाकी बोनट और फेंडर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा। जब हम टाइप 3 से टाइप 4 में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी कार को पेंट बूथ में पेंट भी करेंगे, दैट इज सो दैट यू कैन गेट अ ब्रांड न्यू कार फीलिंग व्हेन यू टेक द डिलीवरी। ऑल्सो ये जो है ये टाइप 3 में सेंटर में आते हैं, टाइप 4 में अलग बॉडी कलर प्लस क्रोम में यहाँ पे आते हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पेंट का फिनिशिंग को हैम्पर होगा, इसीलिए हमको कंप्लीट टाइप 4 का अगर 100% लुक चाहिए तो उसको फुल कार पेंट करना रिकमेंडेड है। प्लस इसके अलॉय व्हील आप देख सकते हैं जो काफ़ी अभी खराब कंडीशन में हो गए हैं ओवर द ईयर ऑफ यूजेज, इसको हम लोग कम्प्लीटली रिस्टोर करके पेंट भी करने वाले हैं। प्लस रेयर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे एक डिकी क्रोम आएगी विद द रिफ्लेक्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। तो स्टे ट्यून गाइस, इसका जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाई एवरीवन, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक टाइप 3 इनोवा है उसको हमने कम्प्लीटली टाइप 4 में मॉडिफाई की हुई है, और जब टाइप 3 से टाइप 4 में मॉडिफाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं चेंज होते, क्योंकि आपका जो बोनेट है, हेडलाइट है, फेंडर है, वो टाइप 3 और टाइप 4 में सेम है। जो चेंजेस है वो फ्रंट शोग्रिल है और फ्रंट बम्पर है, प्लस फॉग लैम्प और फॉग लैम्प क्रोम कवर। ये जो एक चीज़ है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एडिशनल थिंग है, इसको हम आफ्टर मार्केट क्रोम बुलाते हैं, तो ये अलग से हमने लगाया हुआ है। नंबर प्लेट्स जो है वो हमारे स्टैंडर्ड अप्रूव्ड नंबर प्लेट्स है। अलॉन्ग विद दैट अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, हमने ग्लॉस ब्लैक में अलॉय व्हील्स को पेंट किया हुआ है, प्लस अंदर कैलिपर्स जो है उसको हमने फरारी रेड में पेंट किया हुआ है। टाइप 3 से टाइप 4 में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमने कंप्लीट गाड़ी को पेंट बूथ मशीन में पेंट भी किया हुआ है, तो पूरी कार जो है वो पेंट बूथ मशीन में पेंट हुई है। इसका ग्लॉस या आपकी फिनिशिंग जब आप पर्सनली देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आएगा, क्योंकि वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं कवर कर पाते, बट हाँ जब पेंट बूथ में पेंट करते हैं तो उसका एक अलग ही रिजल्ट आता है। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप पेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पॉलिश से पुट्टी लांबी, फिर आप किस पेपर से इसको घिसते हैं, कौन सा लैकर यूज़ करते हैं, कौन सा बेस कोट यूज़ करते हैं, प्राइमर, हार्डनर, थिनर। सो एक्चुअली जब पेंट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे पेंट का इतना कॉस्ट क्यों होता है, बट पेंट के अंदर कम से कम 10 से 12 मटेरियल अलग अलग स्टेजेस के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो हर एक चीज़ की क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ जब आप पेंट बूथ मशीन में पेंट करते हैं तो आपको एक परफेक्ट रिजल्ट वाली गाड़ी मिलती है, और आप उसकी लाइफ भी वो हिसाब से फिर बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं कि रेयर साइड जो है उसमें हमने ये जो डिकी क्रोम है विद रिफ्लेक्टर वो ऐड किया हुआ है, टेल लाइट्स है, तो रेयर में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बट हाँ हमने इसको कम्प्लीटली पेंट किया हुआ है तो ऑलमोस्ट एकदम ब्रांड न्यू कार जैसी लग रही है। सो गाइस, अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने मुंबई में किया हुआ है, MH50 से गाड़ी हमारे पास मुंबई में आई थी, और अब हमारा हैदराबाद का वर्कशॉप भी ओपन है, तो हैदराबाद के वीडियोस भी आपको काफ़ी जल्द देखने मिलेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, फॉर मुंबई आप 7666-930-930 पर कॉल कर सकते हैं, और हैदराबाद के लिए 7666-830-830। थैंक यू सो मच। तो फाइनली अब हम इस गाड़ी को डिलीवर कर रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट प्रशांत ऑल द वे सतारा से मुंबई आए। तो सर थैंक यू सो मच, एक तो आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी, आप काफ़ी दूर से आए हमारे पास, और अभी फाइनली आपकी गाड़ी रेडी हो रही है, तो थोड़ा आपका फीडबैक चाहिए सर कि आपको काम कैसा लगा और टीम कैसी लगी। वेल, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ माई टाइम इन द लॉकडाउन जस्ट सर्चिंग ऑल द जॉब डन बाय ऑटो ओनर्स। आई थिंक फ्रॉम द डे वन यू केम ऑन यूट्यूब आई हैव सर्च ऑन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ योर्स, ऑल वीडियोस। यस, आई थिंक यू हैड टोल्ड मी कि इन द मॉर्निंग यू एंड योर फ्रेंड यूज्ड टू गो ऑन जॉगिंग, और आपका सबसे पहला होता था कि कल रात को क्या अपडेट है ऑटो ओनर्स में। ऑन द कंट्रीरी माई होल ग्रुप इज नाउ अ फैन ऑफ योर्स। अच्छा, सो on that note I finally decided that yes I am going to live my Innova at Mumbai. Basically I love coming down to Mumbai. Achha. Because this city never sleeps, and what you want to fetch you get it in Mumbai. Yes. And in that sense I think Auto Rounders is the best location that I have
got forever to maintain my Innova. And you people, you simply rock. You can just see the output, what you have done. And I just feel thanks from bottom of my heart. Yes, sir. Thank you so much. Even you, my new car. Yes. Sir, my belief is that जितना हमारा इंटरेस्ट होता है उतना अगर कस्टमर का भी इंटरेस्ट होता है ना तो बहुत अलग रिजल्ट आता है. सो आई सॉ बिकॉज नाउ डेज आई एम लिटिल बिजी इन हैदराबाद ऑक्यूपेशन, लाइक वहाँ पे अभी काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गया मैं. बट जब ऐसा आउटपुट दिखता है ना तो हमारे साथ साथ आपका भी बहुत इसमें हाथ होता है, क्योंकि आप भी उतने इंटरेस्ट से आते हो गाड़ी बनाने के लिए, तो इसके लिए इतनी अच्छी गाड़ी बनती है. इसके लिए वंस अगेन थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू ऑटो, थैंक यू टीम.